हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ETH। तो दोस्तों, आज जो सर्किट मैं आपके लिए लाया हूँ, आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिमोट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको सर्किट भी बनाना नहीं है, जो LED स्ट्रिप के साथ जो सर्किट आता है और रिमोट आता है वही यूज़ करेंगे, और साथ में रिले और एक 12 वोल्ट अडोप्टर। तो चलिए दोस्तों, कैसे बनाना है मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये जो सर्किट है LED स्ट्रिप के साथ आपको मिलता है, जो 5 मीटर की LED स्ट्रिप आती है RGB, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू कलर जो है उसे RGB से हम शो करते हैं। तो उसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ कैसा सर्किट इसके अंदर होता है। ये दोस्तों बहुत ही स्मॉल सा सर्किट है और जो बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। तो पहले एक बार मैं आपको ये सर्किट LED के साथ यूज़ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद रिले इसके साथ कैसे ऑपरेट करनी है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको इस सर्किट के बारे में पूरा पता चल सके। ये 3 LED मैंने इसके साथ लगाई हैं, क्योंकि हम 3 जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि LED द्वारा मैं पहले आपको शो कर देता हूँ। इस सर्किट में जो पॉजिटिव है वो कॉमन रहती है, जो पॉजिटिव सप्लाई है उस पर मैंने 470 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया है, और बाकी जो तीनों रेड ग्रीन और ब्लू RGB तीनों कलर की जो वायर हैं वो अलग अलग 3 आउटपुट इसकी हैं, जिसे हम RGB या सर्किट मैंने 1, 2, 3 कैसे भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि रिले इसके साथ कैसे यूज़ करनी है और किस तरीके से आप 3 जो अप्लायंसेज हैं किस तरीके से आप तीनों को यूज़ कर सकते हैं, एक ही सर्किट के साथ, एक ही रिमोट के साथ। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको रिमोट का और सर्किट भी दूंगा, जो सर्किट भी आप खुद बनाएंगे। तो ये सर्किट मैंने इसलिए यूज़ करा है LED स्ट्रिप वाला, कि जो बिगनर्स हैं जो सर्किट नहीं बना सकते वो भी इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, 3 LED मैंने लगा दी है, और ये 12 वोल्ट का अडोप्टर मैंने इसके साथ लगा के सप्लाई दे दी है, और ये है इसका रिमोट। ऑन ऑफ जैसे ही करेंगे तो इसमें फंक्शन भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो फंक्शन हमें यूज़ नहीं करने हैं। देखिए, तीनों जो RGB फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो LED हैं इससे हम ऑपरेट कर सकते हैं। और 1 बाय 1 तीनों अप्लायंसेज को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है। देखिए दोस्तों, इसके साथ आप कोई भी LED लाइट लगा के कई फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें फंक्शन यूज़ नहीं करने। फ़िलहाल हम जो इसका यूज़ करेंगे सर्किट का, किसी भी अप्लायंसेज को ऑन या ऑफ करने के लिए करेंगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको पूरा इसकी डिटेल दूंगा। तो चलिए, अब इसके साथ जो है रिले कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। रिले लगा के एक बार मैं आपको एक जो बल्ब है वो लगा के दिखा रहा हूँ, एक 12 वोल्ट का रिले इस सर्किट से हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर आपने 3 अप्लायंस यूज़ करने हैं तो 3 रिले लगाएंगे, 2 करने हैं तो 2 रिले आप लगाएंगे। रिले को किस तरह से लगाना है वो भी मैंने वीडियो को लास्ट में बता दिया है, उसका पूरा डायग्राम मैंने लास्ट में डाला है। इस वीडियो ख़त्म होने के बाद वो डायग्राम आप आसानी से देख सकते हैं। ये 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ आपको इस बल्ब को। जितना आपके अप्लायंसेज का लोड है, जितने एम्पीयर है, उसके अकॉर्डिंग आप रिले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही रहेगी, ये ख्याल रखें। और अगर आपको कुछ भी बात इसके बारे में समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको इसका डिटेल बता दूंगा। ये देखिए, मैं अब इससे ऑन ऑफ आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से ऑन हो गया है, ऑफ हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा दूर से ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बहुत दूर से भी बढ़िया काम कर रहा है। अभी लगभग मैं
3 मीटर इससे दूर हूँ, 3 मीटर दूर से भी बहुत बढ़िया ये काम कर रहा है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी रिमोट के सर्किट बताऊंगा जो आप खुद असेंबल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया काम करता है रिमोट से। तो दोस्तों यह है डायग्राम 3 रिले सर्किट के साथ कैसे यूज़ करके फ़ैन, ट्यूबलाइट, कूलर या कोई भी अप्लाइंसेज को, तीनों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इस डायग्राम में पूरा मैंने रिमोट का भी डिटेल दे दिया, रिमोट के कौन से बटन से कौन सी रिले ऑपरेट होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कुछ भी आपको जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर